We will now start with another group, gymnosperm. So the gymnosperms, the meaning of this word is naked seed. How? कैसे इसका जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग नेकेड सीड कैसे है? जिम्नोज जो एक शब्द है, जिम्नोज वर्ड है और एक स्पर्मा वर्ड होता है. जिम्नोज मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. सो जिम्नोस्पर्म इज नेकेड सीड. सो दीज आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वॉल. इसमें ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं, वो एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट के. सो दे रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो इसमें सीड बनते हैं वो क्या होते हैं? ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं. दैट्स वाई दे कॉल्ड नेकेड एंड द वर्ड इज जिम्नोस्पर्मा. जो भी सीड इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं. तो इसमें मीडियम साइज के ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब सभी आते हैं. जो प्लांट्स की जो साइज होती है उसमें टॉल ट्रीज, लंबे ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब्स भी होते हैं एंड मीडियम साइज के पौधे भी होते हैं. तो सबसे पहली बात, दीज प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग. इसमें हम सबसे पहली बात जो लिखेंगे किया कि दीज प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग है फिर भी इनमें सीड्स बनते हैं. ठीक है, नॉन फ्लावरिंग है बट सीड प्रोड्यूसिंग. नॉन फ्लावरिंग बट दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. इनमें सीड्स बनते हैं. और जो कैसे होते हैं, हम पहले बता चुके हैं आपको कि वो सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं. और अगर वो सीड नेकेड हैं तो इसका मतलब है नो फ्रूट. सो नॉन फ्लावरिंग सीड प्रोड्यूसिंग, नो फ्रूटिंग, नो फ्रूट प्रोडक्शन, नो फ्रूट. ठीक है, नो फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो नेकेड सीड नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल. दूसरी, जो इसमें जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, उनको चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है. जिम्नोस्पर्म के जो पौधे हैं उनको फोर सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है. फोर सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला सब ग्रुप जो है वो है कोनिफर्स, जिसमें पाइनस आता है. आप जो यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ये कोनिफर्स से पाइनस जिसमें आता है. सेकंड है सिकेडेल्स, जिसमें साइकस आता है. सिकेडेल्स जिसमें साइकस आता है. थर्ड इज जेंटियल्स, जेंटियल्स. एंड फोर्थ वन इज गिंकुएल्स, गिंकुएल्स. इसमें कौन सा प्लांट आता है? इसमें आता है गिंको बिलोबा, जिसको गिंको बाइलोबा भी बोलते हैं. गिंको बाइलोबा ये एक प्लांट होता है, गिंको बाइलोबा प्लांट, जो कि फर्स्ट लिविंग फॉसिल भी इसको कहते हैं. क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फर्स्ट लिविंग फॉसिल, क्योंकि ये प्लांट जो है अभी रिसेंट, अभी आज के ज़माने में है, प्रेजेंट है, बट ये अभी भी अपने कुछ जो फीचर्स हैं वो ओल्ड करेक्टर्स हैं जो इसमें प्रेजेंट है. किसके? इनके पूर्वजों के, तो एंसेस्टर्स के. इसलिए इसे फर्स्ट लिविंग फॉसिल कहते हैं प्लांट्स में. ठीक है, हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा, जो कि नेकेड स्पर्म सीड होते हैं, नेकेड सीड होते हैं. ओव्यूल जो होता है वो ओवरी वॉल से कवर नहीं होता है. पेड़ की जो हाइट होती है वो टॉल भी होते हैं, श्रब भी होते हैं, मीडियम साइज के भी. तो नॉन फ्लावरिंग सीड प्रोड्यूसिंग, नो फ्रूटिंग,
इसकी खासियत होती है। इसके बाद इसके पाइनस का हम जो एग्जांपल लें, पाइनस, ये कोनिफर्स इसमें रीजन में, पाइनस जो है वो कोनिफर्स में आएगा, इनमें कोन्स होते, कोन्स की शेप होती है कोनिफर्स, ये हम इसकी शेप पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका थोड़ा जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसकी लीव्स कैसी होती है जिम्नोस्पर्म की। जो जिम्नोस्पर्म है इसमें जो लीव्स है वो दोनों तरह की पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म की लीव्स सिंपल और कंपाउंड दोनों ही होती हैं। लीव्स कैसी होती हैं? सिंपल और कंपाउंड दोनों होगी। सिंपल कैसी पत्तियां होती है और कंपाउंड कैसी पत्तियां होती है ये थोड़ा बता देते हैं। सिंपल में जैसे कि अगर किसी लीफ में वेन जो मिडरिब होती है वो कंप्लीट है और उसमें कट्स नहीं है, जैसे ये एक पत्ती है, मैंगो की एक पत्ती हो सकती है, अशोक के पेड़ की एक पत्ती हो सकती है, तो ये एक लीफ है और ये दूसरी लीफ है। अब ये जो मिडरिब है इसकी जो वेन्स हैं इसमें कट्स नहीं आते, और तो ये सिंपल लीफ है। और कंपाउंड लीव्स कैसी होती है? जैसे नीम के पत्ते होते हैं, इसमें जो ये, अगर ये हम इमेजिन करें, अगर ये लीफ ऐसी होती है तो इसमें कट्स आ जाते हैं, कट्स आने की वजह से इसमें छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं, जैसे नीम की पत्तियां होती हैं और खेजड़ी की होती है, कीकर की होती है, बहुत सारे छोटे ऐसे इमली के जो पौधा होता है उसकी पत्तियां भी ऐसी होती हैं, टच मी नॉट की पत्तियां ऐसी होती हैं, तो ये फिर कंपाउंड लीव्स होती हैं। कट्स आ जाते हैं तो कंपाउंड लीफ होंगी, और वेन में या मिडरिब में कट्स नहीं होंगे तो वो सिंपल लीफ होती है। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं उनकी खासियत ये है कि इन पत्तियों में एक खास बात होती है कि ये सरवाइव कर सकती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर। लीव्स कैन सरवाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप टेम्परेट रीजन आ सकता है, चाहे कैसा भी क्लाइमेट हो, कैसी भी विंड हो, कैसा भी ह्यूमिडिटी हो वहाँ की, तो ये सर्वाइव कर सकती हैं इजीली। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, कुछ अपने आप को ये मॉडिफाई करे होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं। तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशंस में भी बचाए रखती है, तो वो हम करते हैं, लिखते हैं पहले। इनके वैसे भी पत्तियों के जो फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? उनके जो स्टोमेटा कैसे तरह के होते हैं, लोअर सरफेस, अपर सरफेस और क्यूटिकल्स, बस यही होते हैं मॉडिफिकेशन में। तो हम पढ़ेंगे कि पत्तियों में, लीव्स में क्या खासियत होती है। तो करेक्टरिस्टिक फीचर विच हेल्प इन सर्वाइविंग इनको एक्सट्रीम टेम्परेचर में, तो वो कौन से हैं? एक तो दे हैव क्यूटिकल्स जो कि वैक्सी क्यूटिकल हो सकते हैं, वैक्सी क्यूटिकल्स हम कह सकते हैं, जिससे कि वाटर लॉस कम होता है। और मोस्टली जो ये लो टेम्परेट वाले रीजन्स में ये पाए जाते हैं, जैसे कि एक्समस ट्री, क्रिसमस पे जो ट्री लगाया जाता है वो क्या होता है? कोन है, वो जिम्नोस्पर्म की है, स्पीशीज है। अब रीजन सर्वाइवल का क्या है कि इनकी नीडल लाइक लीफ होती है, नीडल लाइक लीफ, जिससे कि इन पे बर्फ जो है वो टिक नहीं सकती, वो नीचे गिर जाती है और इनको वजन नहीं लगेगा। और पॉइंटेड लीफ होती है, रिड्यूस्ड सरफेस होती है, रिड्यूस्ड सरफेस होती है जिससे वाटर लॉस नहीं होता। नीडल लाइक होने की वजह से जो सरफेस है जो एक्सपोज होगी इन्वायरमेंट को वो कम हो जाएगी, तो नीडल लाइक लीफ की वजह से इनमें लेस वाटर लॉस होता है। थिक क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल कैसे होते हैं? थिक होते हैं। और इनका जो स्टोमेटा होता है, इनमें स्टोमेटा कैसा होता है? संकन, सिकुड़ चुका होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, जिससे कि, और या फिर डीप पिट्स में स्टोमेटा जो है वो डीप पिट्स में होगा, गहराई में होगा, जिससे कि वो एक्सपोज नहीं रहेगा। और ओपनिंग और क्लोजनिंग जो है वो स्टोमेटा की, वो भी कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, अब इसमें स्पोर्स बनते हैं, इट्रोस्पोर्स बनते हैं, ये जो पौधे होते हैं इसके, वैसे तो ट्री कैसे होते हैं, ऐसे वैसे होते हैं,
कोनीफर्स जो होता है क्रिसमस पेड़ ऐसा होता है, तो जो भी बर्फ यहाँ पे गिरेगी वो नीचे फिसल के नीचे गिर जाएगी, तो ये इनकी खासियत होती है। इसके बाद इसके जो पौधे होते हैं उनको कोनीफर्स क्यों कहा जाता है? कोनीफर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट की जो शेप होती है, शेप ऑफ प्लांट की वजह से कोनीफर कहा जाता है। एग्जांपल है पाइन, पाइनस कह सकते हैं, पाइन भी कहते हैं। तो क्या होता है, मेन एक्सिस जो होती है इसकी कैसी होती है कि इस प्लांट की जो मेन एक्सिस होती है वो इलॉन्गेटेड होती है, इलॉन्गेटेड मेन एक्सिस होगी, और उसमें जो इलॉन्गेटेड होगी और ब्रांचेस जो हैं वो एक्रोपिटल मैनर में, पहले लिख लेते हैं इलॉन्गेटेड एक्सिस जो मैंने बनाई है अभी यहाँ पे, और जो ब्रांचेस हैं जो इस पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होती हैं। एक्रोपिटल मैनर क्या होता है, पहले मैं एक्रोपिटल मैनर दिखा देती हूँ ड्रॉ करके, ठीक है। एक्रोपिटल मैनर मीन्स ऐसे ऐसे, ये बड़ी और ये इससे छोटी छोटी होती जाती हैं आगे जाके, ठीक है। तो मेन एक्सिस इज इलॉन्गेटेड इलॉन्गेटेड एंड इलॉन्गेटेड मेन एक्सिस लिख लीजिए यहाँ पे, मेन एक्सिस ब्रांचेज आर इन एक्रोपिटल मैनर, मतलब एक्रोपिटल ब्रांचिंग होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि लोअर लोअर जो ब्रांचेज होती हैं, लोअर ब्रांचेज आर लॉन्गर, लोअर ब्रांचेज आर लॉन्गर एंड ओल्डर, लंबी होती हैं और पुरानी होती है, पहले उगती हैं पुरानी होती है, और अपर ब्रांचेज जो होती हैं वो शॉर्टर होती हैं और कैसी होती हैं, नई होती हैं, न्यू। अपर ब्रांचेज आर शॉर्ट एंड न्यूअर, न्यू लिख सकते हैं हम, न्यू, ठीक है। इसको कहते हैं एक्रोपिटल मैनर में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। कोन लाइक शेप होती है और इस प्रकार एक्रोपिटल मैनर में इसकी ब्रांचिंग होती है। पाइनस जो है वो कैसा पौधा है, पाइनस इज मोनोशियस, हम लिख सकते हैं इसमें एक बार, पाइनस जो है वो मोनोशियस है। मोनोशियस मतलब फीमेल और मेल दोनों जो गैमेटोफाइट्स हैं वो सेम प्लांट पे मिलेंगे, सेम प्लांट पे। और जो डायशियस का मतलब होगा कि जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अलग अलग पौधे पे हों, ठीक है। एक दूसरी बात कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, स्पोरोफाइट यहाँ पे बनता है, स्पोर इसको लिखते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। और जो स्टेम है वो क्या होती है, लॉन्ग स्टेम की भी खास बात बताते हैं इसकी, कि स्टेम जो है वो क्या होगी, लॉन्ग शूट होगा एक तो, और दूसरा ड्वार्फ शूट होता है। डायग्राम में हम देखते हैं जो इसमें क्या होता है, लॉन्ग शूट जो होता है उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लॉन्ग शूट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लॉन्ग शूट में अनलिमिटेड ग्रोथ का क्या कारण होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी वो किस वजह से होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि जैसे ये लॉन्ग शूट है, ये लॉन्ग वाले शूट में टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, बिकॉज इट हैज़ बर्ड्स एट टिप, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, बिकॉज ऑफ टर्मिनल बर्ड्स, टिप्स पर बर्ड होंगे। ये यहाँ पे ये बर्ड्स दिखाए हुए हैं, इन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, नो ठीक है। तो लॉन्ग शूट जो होता है वो ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच क्या होती है, उसमें बर्ड्स होते हैं टर्मिनल बर्ड, और इस बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अनलिमिटेड ग्रोथ।
और जो ड्वार्फ शूट है उस पे कोई भी टर्मिनल कोई भी बडिंग नहीं होती है, नो बर्ड्स सो नॉट सो लॉन्ग, उनमें शॉर्ट रह जाते हैं, इसलिए उसे ड्वार्फ शूट कहते हैं और इसे लॉन्ग शूट कहते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स किस तरीके के प्लांट होते हैं, इनमें होमोस्पोरस और हिटरोस्पोरस तरीके के ये पौधे होते हैं। तो सबसे पहले होमोस्पोरस क्या होते हैं, दीज आर होमोस्पोरस, दोनों तरह के यहाँ पे प्लांट पाए जाते हैं। होमोस्पोरस का मतलब होता है इसमें एक तरीके के ही स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और जो हिट्रोस्पोरस है उसमें दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या है, हिट्रोस्पोरस है, हिट्रोस्पोरस, पहले मैंने होमोस्पोरस बोल दिया, वो होमोस्पोरस नहीं है, हिट्रोस्पोरस होते हैं। रीजन क्या है, बिकॉज दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर, दो तरीके के स्पोर प्रोडक्शन होता है पाया जाता है यहाँ पे। दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ, दो तरीके के स्पोर्स, दोनों मतलब कौन कौन से, एक तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, दोनों प्रोड्यूस करते हैं ये। तो जो मेल फीमेल, मेल और फीमेल कौन से स्पोर होंगे वो दोनों, एक तो मेल और दूसरा ऑब्वियसली फीमेल। जो मेल स्पोर होता है उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर, मेल स्पोर को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर, एंड जो फीमेल स्पोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं मेगा, वो उसे बोलते हैं मेगा स्पोर, जो कि एक ही होता है, माइक्रोस्पोर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं, जो इसमें फिर कोन्स भी होता है, मेल कोन अलग होता है और फीमेल कोन अलग होता है। मेल कोन में तो माइक्रोस्पोर बनते हैं और फीमेल कोन में मेगास्पोर बनते हैं। ये जो आप देख रहे हो सामने डायग्राम, ये क्या है, मेल कोन है, इसमें आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, पोलन ग्रेन्स बनेंगे और ये मेल कोन की शेप है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेल कोन कैसा होता है और किस प्रकार उसमें स्पोर्स बनते हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे मेल जो कोन होता है उसे मेल स्ट्रॉबेली बोलते हैं, मेल कोन को मेल स्ट्रॉबेली बोलते हैं, मेल कोन ऑल्सो कॉल्ड मेल, ये सारा जो है ये स्ट्रॉबेली है, तो इसको मेल है तो उसको मेल स्ट्रॉबिलस भी बोल सकते हैं, बिली भी बोलते हैं। ठीक है, कैसा होता है, मान लो एक कोन है, ये एक कोन के अंदर बहुत सारी स्पोरेंजियम होंगी, तो ये माइक्रोस्पोरे, ये कोन है, मेल कोन है और इसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी। और स्पोरेंजियम क्या होती है, जिसमें स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियम क्या होती है, स्पोरेंजियम का मतलब है जिसमें स्पोर होते हैं, स्पोरेंजियम मतलब स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम। तो अगर उसमें माइक्रोस्पोर है तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर उसमें मेगास्पोर है तो वो मेगास्पोरेंजियम ऑटोमेटिकली कहलाती है। ये हमारा वेल नोन बात है, जो बॉटनी पढ़ते वक्त, बायोलॉजी पढ़ते वक्त हमको याद ही रखनी है, स्पोरेंजियम क्या होती है, स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर। तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, तो मेल है ये, मेल स्पोरेंजियम है जिसमें ये सारा एक कोन है, ये मान लो लिख लेती हूँ, दिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये कोन है एक, और ये एक क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे क्या हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या है, मैनी माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं।
और मियोसिस करेंगे, डिप्लॉइड हैं तो मियोसिस करेंगे। मदर सेल क्या करते हैं, ये एक मदर सेल है, ये एक और मदर सेल बनाएगा, इससे मियोसिस होगा, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगा और ये बनेंगे हैप्लोइड सेल। क्वाड्रेट्स बनेंगे ये, चारों जो टेट्राड हैं इनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड इनको कहा जाता है। दे विल बी कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन, ये पहले पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो पहले मैं बता रही थी कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर में डिवीजन होगा, देखो मेल कोन में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम में, उनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फिर वो डिप्लॉयड होते हैं और मियोसिस फर्स्ट और सेकंड करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है ये किस में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेट्स को प्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, और इनको पोलन ग्रेन्स हैं तो ये क्या करेंगे, जाके फीमेल गैमेट के पास जाके फ्यूजन करके के पास जाएंगे और फ्यूजन होगा वहाँ पे, और उससे फिर फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा और फीमेल, ठीक है, ये प्रोसीजर है। तो यहाँ पर इसमें हर एक जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये आप देख रहे हैं कि सबसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, और ये जो है मेल कॉर्न में, और जिसके ऊपर ये माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें लगी होती है उसको पत्ती जो है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियटिक और मेल स्ट्रॉबिली, ये दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियटिक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट कहलाएंगी। माइक्रोस्पोरेंजिएट क्या होता है, आप लिख लेते हैं माइक्रोस्पोरोफिल को माइक्रोस्पोरोफिल प्लस माइक्रोस्पोरेंजियम कलेक्टिवली कॉल्ड, लिख देती हूँ यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट कहलाएंगे, या फिर मेल स्ट्रॉबिली भी कहते हैं इसको, मेल जो मैंने यहाँ पे बता दिया मेल स्ट्रॉबिली कहलाते हैं, ठीक है। अब है मेगास्पोरेंजिया या फिर फीमेल स्ट्रॉबिली कोन, उसको स्टडी करते हैं। फीमेल कोन जो है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, उसमें ब्रैकेट स्केल होते हैं, आप देख सकते हैं ये ओव्यूल है, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है, ये ओविलीफेरस स्केल है और ब्रैकेट स्केल है और ये सेंट्रल एक्सिस है, फीमेल कोन है, ठीक है। इसको फीमेल कोन की कौन की को क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्रॉबिली, फीमेल कोन या फिर फीमेल स्ट्रॉबिली कहलाएगा ये, इसको कोन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम है, वैसे ही एक माइक्रोस्पोरेंजिया एक होता है कोन के अंदर मेगा, अब क्योंकि इसके लिए फीमेल है तो इसके लिए हम मेगा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया है ये सारी, मेगास्पोरेंजिया में क्या होंगे, तो मेगास्पोर मदर सेल होंगे, मेगा स्पोर मदर सेल होंगे। मेगास्पोर मदर सेल क्या करते हैं, ये भी मियोसिस क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल में चार मेगास्पोर बनेंगे और ये मेगास्पोर जो है इन चारों में से एक ही, इन चारों में से कोई एक
इन चारों में से कोई एक जो है वो ही फंक्शनिंग फंक्शन में रहेगा, वन डिजनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक रह जाएगा और बाकी जो हैं ये डिजनरेट हो जाएंगे। वन विल सर्वाइव, वन मेगा स्पोर विल सर्वाइव एंड अदर थ्री विल डिजनरेट, वो नष्ट हो जाएंगे और यूज हो जाएंगे किस चीज में? न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए। किसको? इस एक मेगास्पोर को, जिसमें ओव्यूल बनेगा और ठीक है, और जिससे कि वो माइक्रोस्पोर को या मेल गैमेट को रिसीव कर सके। तो ओनली वन विल रिमेन एंड अदर थ्री विल डीजनरेट। इसके बाद मेगास्पोर जो है, एक बात और लिखते हैं मेगास्पोर की, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। मेगास्पोर जो है वो आर्किगोनियम, यानी आर्किगोनियम हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कि आर्किगोनियम जो होता है फीमेल के लिए होता है। आर्किगोनियम से अटैच रहता है, पेरेंट बॉडी से अटैच रहते हैं, अदरवाइज ब्रायोफाइटा में क्या था वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट बॉडी पर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? मेगास्पोरेंजियम की। मेगास्पोरेंजियम मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में करती है, और दो या फिर दो से अधिक आर्किगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गेन इसमें होते हैं। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होती है जो कि विद इन मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में ही रहती है। जिम्नोस्पर्म जो है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है दोनों होते हैं इसमें होते हैं, ठीक है। पोलन ग्लैंड रिलीज होने के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसमें से वहाँ पे जाता है मेगास्पोरोफिल के पास, वहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है और मेल गैमेट ग्रो करता है आर्किगोनियम की तरफ। फिर वहाँ पे ओव्यूल जो है वो डिस्चार्ज होकर माउथ पे आर्किगोनिया के आके फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये सारा हमें इसमें डेवलपमेंट होता है किसका? जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक है। अभी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।